Okay, so we are going to start today again the exercise that we are. What we discussed in tomorrow's class. See, we want to check the solutions. Okay, how this is happening and how we will going to rectify our problems. Okay, so हम लोगों ने कल चेन और टेप के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, तो वी विल चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3. अ लाइन वाज मेजर्ड बाय 20 मीटर चेन व्हिच वाज एक्यूरेट बिफोर द स्टार्टिंग डे. ओके, जैसे आपका डे मींस आपने 9 एएम पे स्टार्ट किया, यू हैव टू चेक दैट इज एक्यूरेट. ओके, After chaining 900 meter, आपने क्या किया? 900 meter chaining कर लिया. It was found 6 centimeter long. After chaining the total distance, फिर आपने क्या किया? After chaining the total distance आपने किया? Total distance कितना किया आपने? 1575. Again it was found 14. सेंटीमीटर टू लॉन्ग. अब देखो द प्रॉब्लम इज दैट अगर मैं इसको एक हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम विद द ग्राफ. ओके, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे एरर. एरर मीन्स टू लॉन्ग, दैट इज टू लॉन्ग. ओके, हियर जीरो 1, 2, और वी कैन से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ओके, टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं. डिस्टेंस हियर 0, हियर 450, 900. Like it in the interval, somewhere is 575. अब जीरो पे क्या था आपका एरर? हम लोग दूसरा पेन लेते हैं. ओके, जीरो पे आपका एरर जीरो यहाँ पे था, और जब आपने 900 मेजर कर लिया तो आपका एरर 6 हो गया. ठीक है, तो आपका एरर का जो ग्राफ है वो इस तरह से बन गया. फिर आपने क्या किया, 900 के बाद आपने अनदर 75 तक गए तो आपका एरर 14 हो गया. आपका ग्राफ इस टाइप का यहाँ पे होगा. ठीक है, अब देखो ये जो लेंथ बढ़ा है ना आपका, ये जो एरर बढ़ा है जीरो से लेके सिक्स तक, ये क्या हुआ? ये एकदम से तो नहीं बढ़ा, इट विल ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. स्ट्रेट लाइन क्यों बना? स्ट्रेट लाइन बनने का रीजन था अल्फा टी m माइनस टी नॉट सी टी करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इनटू एल. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है अल्फा के साथ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. ठीक है, अल्फा टेम्परेचर आपका वेरिएबल क्वांटिटी है, सो हम लोग का स्ट्रेट लाइन. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पहले हमारा एल डैश तक, पहले हम लोग जीरो से हमने 900 तक मेजर किया, इसको हम लोग बोलते थे केस वन. दूसरा आपने जीरो से सॉरी 900 से 1575 मेजर किया, दैट विल बी योर केस टू. ओके, सो अब आप यहां पे देखोगे तो इसका हमें हम लोग एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि अब मैं हर बार एक एक के लिए नहीं कर सकता, तो मैं इसका एक एवरेज हाइट ले लेता हूँ, सबके लिए हो जाएगा एवरेज. तो आपने क्या किया, आपने दिस इज जीरो और ये 0.06 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो एल हमारा 20 था, एल डैश यहाँ पे कितना हो गया केस वन में, एल इक्वल टू 20 मीटर, एल डैश इक्वल टू हमने क्या किया इसको एवरेज ले लिया जीरो प्लस दिस, सो दिस विल बी 20.03. अब यूनिफॉर्म हो गया है ना, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा, हमने इसको एवरेज लेके ग्रेजुअली इंक्रीज को हमने क्या किया इसका एवरेज ले लिया. एवरेज लेने से क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म हो गया.
ठीक है, हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज का नहीं कर पा रहे थे, तो लेट्स वी विल टेक दिस। तो अब आपका क्या हुआ, टोटल लेंथ ये आ गया 901.3 मीटर, वही फॉर्मूला हमारा, ठीक है। करेक्ट लेंथ इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इनटू मेजर लेंथ, मेजर लेंथ 900 का, एल डैश ये था, तो हमारा करेक्ट लेंथ यहाँ पे कितना आ गया, इसी केस में करेक्ट लेंथ इक्वल टू 901.35 मीटर, ये वाला, ठीक है। सेकेंड केस में आते हैं, आपका एल डैश कितना हो गया यहाँ पे, अब हम लोग इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहां से लेके यहाँ तक इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो हम वैसे इसका एवरेज ले लेते हैं मिड बिटवीन में, तो एवरेज कितना है इसका, 20 प्लस 0.06 प्लस 0.14 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी आपको एल डैश मिला 20.1 मीटर। तो आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपका टोटल लेंथ मिला, ये आपका 915.75 में से आप 900 माइनस कर दीजिए, तो आपने कितना डिस्टेंस मेजर किया था यहाँ पे, 675 मेजर किया था आफ्टर दिस, तो आपका टोटल लेंथ 1579.75 जो आपका ट्रू लेंथ है, ठीक है। I hope this is clear. Okay, if you find any problem, kindly let me know. So, I'm here to solve your problem. So now look for the next question. Okay. The problem number 4 that we are going to discuss today. On a map drawn to a scale 50 meter to 1 centimeter. क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड में कोई भी 50 मीटर है, उसको हम लोग मैप में 1 सेंटीमीटर दिखाना चाह रहे हैं। सर्वेयर मेजर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, अपने एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन यहाँ से यहाँ तक बी है, तो ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस दैट विल बी 3500 मीटर, बट इट वी फाउंड दैट द मिस्टेक हैड बीन इन अ स्केल, ठीक है। आपका कितना था, हंड्रेड मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ने यूज किया एक्चुअल में, ठीक है, ये वाला हमारा एक्चुअल था, बट क्या किया उसने, ये इसको प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, हमें करेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका आरएफ फाइंड आउट कर लीजिए, आरएफ कितना आएगा इसका, आपका रोंग स्केल का, रोंग स्केल क्या है आपका, रोंग स्केल आपका 50 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और करेक्ट स्केल कौन सा है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको आपको ये एक्चुअल, अभी क्या है आपका, इसको एक्चुअल डिस्टेंस कितना मेजर किया वो फाइंड आउट करना, ठीक है। अब क्या कीजिए, सबसे पहले इसका आरएफ कैलकुलेट कर लीजिए रॉन्ग स्केल का, फिर आरएफ करेक्ट स्केल का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उस हिसाब से यू विल गेट योर आंसर। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, आरएफ तो ऑफ द रॉन्ग स्केल कितना हो गया, कितना हुआ आरएफ ऑफ द रॉन्ग स्केल, ओके। So you first calculate the RF. मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ।
RF of wrong scale equal to 1 divided by 50. अब देखो ये सेंटीमीटर में है, आप यहाँ पे भी मीटर को सेंटीमीटर में कर दीजिए, तो रोंग स्केल का आरएफ कितना हो गया 1/5000 और आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल कितना हो गया 1/100 × 100, दैट विल बी 1/10,000. अब हमें क्या चाहिए, ट्रू लेंथ चाहिए. True length equal to RF, आपका wrong RF divide by RF, correct RF into measured length. आप इसको solve कीजिए, you will get the answer. Okay. Take your copy pen and you have to solve this. Okay. You are having 30 second time. In between you have to solve this question. Okay. After you solve this questions, let me solve this. If you are not good. Okay. So true length RF of wrong scale kitna hai hamara? This question, RF of the wrong scale is 1/10,000 × 1/5000 × 5,300. So true length you will get 1750 meter. So आपका wrong scale कितना यहाँ पे देख लीजिए, it is written. आपको करेक्ट लिखना था 50:1 meter और उसने क्या किया, he had used that 100 meter to 1 centimeter. Oh sorry, it is correct and this is wrong. Okay, you have to rectify this also. This is correct and this is wrong. Okay. So here this is your solution. So, you have to solve your assignment. आपके assignment में इसी type के questions given हैं. You have to solve that. इस type के questions आपके gate में भी आते हैं ना? Gate और IAS के जो आपके papers होते हैं, you will face this type of questions. Solve here. An old map was plotted to a scale 40 meter equal to 1 centimeter. Over the year, this map has been shrunk and a line originally 20 centimeter long is only 19.5 centimeter long. Okay, at present. Again, the 20 meter chain was 5 centimeter too long. The present area of the map by the planning meter is 125.50 centimeter square, then find the true area of the land survey. Okay, अभी इसमें क्या problem हो रहा है? एक तो हमारा map shrink हो गया और दूसरा हमारा जो chain था जिससे हमने survey किया था, but also too long. In this case, L equal to 20 meter and L dash equal to 20.05 meter. Clear? Okay. So this area also, measured area kitna hai? 125.50 मीटर. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग श्रंक स्केल निकाल के भी कर सकते हैं इसको और
जिस तरीके से इन्होंने कर रखा है उससे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसका श्रंक स्केल कितना हो गया, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग जो लाइन था पहले, वो हमको 19.5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ठीक है। सो द 1 सेंटीमीटर ऑन मैप ओरिजिनली पहले कितना था, वो हम इस तरह से इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। ओके, आप इसको इस तरह से कर लीजिए, यू हैव टू फाइंड ओरिजिनल स्केल कितना था आपका, आर एफ ऑफ ओरिजिनल स्केल कितना था आपका, 1/40 इंटू इसको हम लोग मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट विल बी योर 1/4000, ठीक है। और अभी जो है आपका स्केल चेंज हो गया क्योंकि ये पेपर श्रिंक हो गया, ठीक है, चेंज हो गया स्केल, क्यों, क्योंकि पेपर श्रिंक हो गया। तो अभी आरएफ कितना हो जाएगा और हम लोग बोल सकते हैं श्रिंकेज फैक्टर कितना है, अभी ओरिजिनली 20 था वो हमारा कितना हो गया, अभी 19.5 हो गया, ठीक है। तो हमारा श्रिंकेज फैक्टर कितना हो गया, 19.5/20, ठीक है। तो हमारे आरएफ में भी इतना चेंज हो गया स्केल में, सेम, ठीक है। तो इन दिस वे अभी आपका ये मेजर्ड एरिया है, अब क्या चाहिए इसमें, यू हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल एरिया। तो देखो आप ओरिजिनल एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी इस केस में हम लोग क्या करते हैं, आप हमेशा सिंपल कॉन्सेप्ट रखो, ट्रू स्केल और रॉन्ग स्केल। इस केस में ट्रू स्केल कौन सा हो गया, इसके अकॉर्डिंग मेथड एरिया के अकॉर्डिंग ट्रू स्केल कितना हो गया, अच्छा हमारा पेपर श्रिंक हो गया ना, हमारा ट्रू स्केल चेंज हो गया, तो कुछ इस तरह से हो गया हमारा। तो व्हेनेवर यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आइदर यू सॉल्व दिस वे, आइदर यू सॉल्व दिस वे, आपके लिए इसमें ये ट्रू स्केल ये वाला हो जाएगा और रॉन्ग स्केल, ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट इज योर एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया विल बी 20/19.5 स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया 125.50 meters, ठीक है। सो योर एक्चुअल एरिया विल बी 132.0184 सेंटीमीटर स्क्वायर इन पेपर। जब आप उसको कन्वर्ट करोगे स्केल में, एक सेंटीमीटर आपका 40 मीटर के बराबर है, तो यू टू मल्टीप्लाई दिस 1600, तो यू विल गेट 211.22944, ठीक है, मीटर स्क्वायर, 0.44 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करना है, चेन आपका टू लॉन्ग था तो आपको ट्रू एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे L हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, L इक्वल टू इतना, L डैश इक्वल टू इतना, तो यू विल बी ट्रू लेंथ इक्वल टू L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर, ट्रू एरिया सॉरी इनटू मेजर्ड एरिया, और 180 इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो ये। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द करेक्शन इन चेन एंड टेप। Okay, so we will discuss that in next class.